तो हेलो फ्रेंड्स, इसमें अब हम टब क्लीन करेंगे, कैसे करना होता है दिखाइए। सिंपल प्रोग्राम सिलेक्ट करना होता है टब क्लीन पे, स्टार्ट करना होता है। अच्छा, स्टार्ट करने के बाद मशीन पानी ले रही है, मशीन पानी ले रही है, थोड़ा सा पानी भरने के बाद ऊपर से गर्म पानी ऐड करना होता है। ये हम गर्म पानी डालें, दो बाल्टी गर्म पानी डालनी है, वो पैकेट डाल देना है साथ में टब क्लीन करने के लिए। तो ये देखिए, ये है एलजी स्केल गो डी स्केलिंग पाउडर है, तो टब को स्केल फ्री करने के लिए। इसकी एमआरपी जो कंपनी ने 150 रुपए की रखी है, 100 ग्राम का पैकेट है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, तो आप सर्विस सेंटर से भी ले सकते हैं। तो ये हम काट रहे हैं इसे, तो देखते कैसा ये पाउडर है। और इसमें होता क्या है, ये आप जैसे बताए थे सिरका और नमक, हाँ हाँ ठीक है, इससे स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, इससे स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये हमने शुरू कर दिया, तो इसमें कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते होंगे। नहीं, 2 घंटे। 2 घंटे लगते हैं, तो ये 2 घंटे तक, 2 या 2.5 घंटे लग जाते हैं। और पानी ये लेता रहता है, फिर पानी निकाल देता है, तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है इसका। और बड़ी पेशेंस रखनी है, अगर आपने कपड़े नहीं धोने हैं तभी करें, और आपकी टंकी फुल होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 बार पानी पूरा भर देता है। तो कम से कम 70 लीटर एक बार आता है, तो 2 बार आप करोगे तो 140 लीटर के आसपास पानी जाता है इसमें टब क्लीनिंग में। तो ये देखिए टाइम भी दिखा रहा है, 2 आवर्स। और बीच में लाइट भी नहीं जानी चाहिए, लाइट चली जाए तो फिर ये प्रोग्राम जो है रुक जाता है, ये भी दिक्कत है इसके साथ। तो ये हमारा पानी भर रहा है, तो 2 गर्म बाल्टी गर्म पानी और 1 FG का टी स्केल पाउडर डालना है इसमें। अगर आप साल या 2 साल बाद कर रहे हैं तो पैकेट 2 से 3 पैकेट एक साथ डालने पड़ जाते हैं। तो हम तो कई साल बाद कर रहे हैं, तो डाल दें। तो अभी तो इतना आपका तो नहीं है इतना गंदा, बाकी 1 पैकेट से काम होगा। गर्म पानी और डाल दें, तो 2 गर्म हमने पानी डाला है, और ये हम प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। ये अपने आप ही सेंस कर लेगा कि इसमें पानी कितना है, और ये 2 घंटे आराम से ये अपने आप को करता रहेगा। तो ये देखिए ऐसे ये हमारी धीरे धीरे टब क्लीन हो रहा है, और ये 2 बार मतलब 1 बार पानी निकालेगा, फिर रिनाइज करेगा साफ पानी से, और फिर उसको बाहर निकालेगा। तो कम से कम 130 से 140 लीटर तक पानी ये इसमें जाता है। तो अगर आपको कपड़े नहीं धोने हैं उस दिन, और आपकी टंकी पानी से भरी हुई है, तभी टब क्लीन करें। तो ये देखिए टब क्लीन ब्लिंक कर रहा है, और 2 घंटे का टाइम दिखा रहा है, और अगर आप ये देखेंगे तो फुल दिखा रहा है, और पानी का जो है कोल्ड दिखा रहा है। आपने बेहतर रिजल्ट के लिए 2 गर्म बाल्टी पानी की इसमें डाली है, और LG का ओरिजिनल पाउडर आ रहा है, डी स्केल पाउडर कहते हैं, जो कि 150 रुपए का है, अमेज़न पर भी मिल जाएगा। हम वीडियो के नीचे लिंक डाल देंगे, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा 16 मिनट रह गए हैं, क्योंकि 2 घंटे का प्रोसेस में सिर्फ 16 मिनट रह गए हैं। और ये देखिए जो हमारी जो हमने पानी डाला था गर्म पानी, और जिसमें हमने LG का पाउडर डाला था, वो ये देखिए अब ये निकल रहा है, ये सारा पानी निकल रहा है, और फिर दोबारा ये फिलअप होगा। तो आपको ये पूरा एक प्रोसेस दिखाएंगे, जस्ट ये अभी खाली होना शुरू हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। और हम पानी भी हल्का सा गर्म है, मतलब जैसे हमने डाला था उबलता हुआ पानी 2 बाल्टी डाला था, और पूरा पानी निकल रहा है, और फिर ये साफ पानी को फिर भरेगा। तो आप ये चाहो तो इस पानी को स्टोर कर सकते हैं पोछा लगाने के लिए। और ये हमारा जो प्रोसेस है इसमें सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। तो टब क्लीनिंग में क्या होता है कि ये जो पानी होता है वो धीरे धीरे स्मूथली जो है चलता रहता है, लगभग 1 घंटा 40 मिनट तक चलता रहता है कंटिन्यूसली। और अब जो है ये हमारा पानी ख़त्म हो जाएगा, आपके सामने खाली हो रहा है सारा टब, और फिर देखते क्या होता है। तो ये देखिए हमारा सारा पानी लगभग खाली होने वाला है, और मेरे हिसाब से जो है अब साफ पानी फिर से ये लेगा, अपने आप को फिल करेगा। ये आखिरी के 12 मिनट में जो है
फिर से पानी भर रहा है बिल्कुल फ्रेश, और ये पूरा भर देगा, फुल कर देगा। आप ये देखिए फुल कर रहा है और फिर से ये चलाएगा, तो हम आपको ये प्रोसेस भी दिखाएंगे। तो टब क्लीनिंग कैसे होती है एलजी की फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसको भरने में कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएगा, और जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, इसमें पानी की जो क्वांटिटी है वो 60 से 70 लीटर आ जाती है पूरी। तो इसमें कोई कपड़ा नहीं है, तो पानी इसमें उल्टा ज़्यादा भरता है टब क्लीनिंग में, तो पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो देखते हैं क्या होता है, आखिरी स्टेप है, आखिरी के 10 मिनट के करीब रह गए हैं। तो ये देखिए हमारा जो पानी है वो भर रहा है, आधे से थोड़ा कम टब भर चुका है, और आखिरी के 8 मिनट रह गए हैं। तो मे बी ये पानी पूरी तरह से भरने के बाद जो है तेजी से स्पिन होना चाहिए, और इस तरह से जो है एलजी के ब्लोडर मशीन में टब क्लीनिंग की जाती है। और इसमें जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि एलजी का स्पेशल डी स्केल पाउडर, और नहीं तो कई लोग जो है पहले विनेगर यूज करते थे, या उससे पहले 1 kg का सिंपल जो नमक आता है वो भी डालकर आप साफ कर सकते हैं। तो एलजी वालों ने कहा है कि हमारा पाउडर इस्तेमाल कीजिए जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेहतर है टाटा नमक या सिंपल नमक या विनेगर सॉल्यूशन से। तो हम वेट कर रहे हैं, तो 8 मिनट रह गए हैं और ये पूरी तरह से भर जाएगा, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए आखिरी के 8 मिनट में हमारा जो ये टैंक है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का वो भरने वाला, थोड़ा सा रह गया, तो मे बी 1 मिनट और लगेगा इसको, फिर देखते हैं ये क्या करता है। तो आपको ये सारे पाउडर जो हैं जो एलजी के ओरिजिनल है ऑनलाइन अमेज़न पर मिल जाएंगे, तो 150 रुपये का पड़ेगा। तो आप ऑनलाइन वीडियो के नीचे हम लिंक डाल देंगे, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। हम वेट कर रहे हैं इसके फुल्ली भरने के, और फिर आपको हम इसका आखिरी डेमो भी दिखाएंगे, आखिरी पार्ट भी। देखिए हमारा पानी लगभग भर चुका है, और ये एरर आ गया, हमें ढक्कन बंद करना पड़ेगा। तो ये हम ढक्कन बंद कर देते हैं, और अब आप देखेंगे क्या होता है। तो फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, और अब ये देखिए साफ और फ्रेश पानी के साथ जो है ये अब रोटेट करेगी, और मशीन में जो टाइम दिखा रहा है इस वक्त 8 मिनट दिखा रहा है, तो मे बी ये 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही करेगी, और आखिरी के 2 या 3 मिनट में ये जो पानी है इसको भी निकाल देगी। तो इसका कारण ये है कि इस टब में जो है कोई केमिकल ना रह जाए जो भी आप डालते हैं। तो आखिरी स्टेप आ गया है, तो चलिए फ्रेंड्स अब जो हम आपको आखिरी स्टेप में दिखाएंगे वापस। तो ये देखिए आखिरी का 1 मिनट बचा है, और मोटर जो है ये बहुत तेजी से मूव कर रही है इस ड्रम को, जो है आखिरी के 2 या 3 मिनट में बहुत तेजी से इसको रोटेट किया है इसने, और वो भी फुल्ली लोडेड विद वाटर। और अब जो है शायद हमारा पानी निकलने लगेगा। तो आखिरी का जो 2 मिनट था बहुत तेजी से इसने चलाया है ड्रम को, और अगर हम इसको खोल कर देखें तो ये शायद पानी अपना निकल चुका है बिना पानी के ये घूम किया, और ये हमारा प्रोसेस पूरा हो गया। यानी कि जो हमने पानी रिलीज किया था आखिरी के 8 मिनट में जो है भरा था, जो वो मे भी कह सकते 2 या 3 मिनट इन्होंने रोटेट किया, और फिर बड़ी तेजी से इसने ड्राइव मूव किया, और अब ये हमारी पूरी तरह से साफ हो गई है, टब क्लीन हो गई है, और ये ऑफ हो गया। तो इसको टब क्लीन करने के बाद जो है आपको इसको खोल कर रखना है 4-5 घंटे के लिए, ताकि जो मॉइस्चर है वो सब सूख जाए। फ्रेंड्स आने वाले पार्ट में जो है हम पुरानी एलजी की
टॉप लोडिंग मशीन का नए मॉडल के साथ कंपैरिजन भी करेंगे। और फ्रेंड्स, आप ना हो तो ये मशीन आप ऑनलाइन अमेज़न से भी मंगवा सकते हैं, हम वीडियो के नीचे लिंक भी डाल देंगे और आप हमारे शॉपिंग पेज से भी इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो है ऑनलाइन अमेज़न पर जो है आपको सारी एसेसरीज मिल जाएंगी, जैसे ये इनलेट पाइप है और ये आपको जो है इनलेट अडाप्टर, आप जो भी आप कह सकते हैं, आपको जो है ड्रेन पाइप भी मिल जाएगा। और इवन जो आपकी ये ट्रॉली होती है, नीचे आप ये देख रहे हैं बैलेंसिंग के लिए मल्टीपर्पज ट्रॉली, वो भी आपको ऑनलाइन अमेज़न पर मिल जाएगी। तो हम सभी का लिंक वीडियो के नीचे भी डाल देंगे और अपने शॉपिंग पेज में भी डाल देंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चैनल है सुखदेव तनेजा, इसके नीचे आप रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आपने जस्ट टच करना है, तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट चाहते हैं अपने मोबाइल या टेबलेट पे, तो ये बेल वाला आइकन है, इसको आपने टच करना है, तो आप जो है सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या टेबलेट पे आएंगे।